सोलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो के B23 5G फोन में न्यू सिस्टम अपडेट के बारे में। हाँ दोस्तों, मेरे पास वीवो का B23 5G फोन है। मेरे फोन में अपडेट आ चुका है जो कि जून के मंथ का सिक्योरिटी पैच। यहां पर आपको बताने वाला हूं कितने MB का अपडेट है, क्या चीज इसके अंदर इंप्रूव किया गया है और क्या क्या चीज इसके अंदर फिक्स किया गया है, जो कि हमारे फोन में जो भी प्रॉब्लम थे इसे फिक्स किया गया है नहीं किया गया, सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाला हूं। फाइनली दोस्तों, अगर आप लोग के पास वीवो का B23 5G फोन है तो आपके भी फोन में आप लोग चेक कर पाओगे कहां पर आपको अपडेट देखने को मिला है एंड कितने MB का अपडेट देखने को मिला है, कौन से मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिला है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर आप लोग के पास वीवो का B23 5G फोन है तो यहां पर अपडेट शो करा होगा, देख सकते हो फ्रंट टच ओएस यहां पर लिखा गया, न्यू वर्जन है इसका 14.2.11.0 का यहां पर वर्जन देखने को मिल जाता है, W30 का यहां पर आपको वर्जन देखने को मिल जाता है, न्यू वर्जन है। एंड इसकी अपडेट की साइज है 386 MB का अपडेट है, यहां पर मेरे को देखने को मिला है लगभग 400 MB का अपडेट है। और इसके अंदर आप लोग को मिल जाता है सिस्टम के अंदर अपडेट, तो जून 2024 गूगल सिक्योरिटी पैच, तो इंप्रूव द सिस्टम सिक्योरिटी इसके अंदर देखने को मिल जाता है आपको जून के मंथ का अपडेट। एंड इसके बाद दोस्तों, इसके अंदर नीचे मिल जाता है इंप्रूव द ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम सिक्योरिटी फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस, यहां पर आपको ऑप्टिमाइज सिस्टम UI, यहां UI के बारे में बेटर यहां पर आपको फिक्स किया गया, बेटर यहां पर आपको देखने को मिलेगा UI इसका, और पहले से मक्खन की तरह आपका फोन वर्क करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड मैंने अपने फोन को अपडेट कर लिया है, फिर मैं आप लोग को दिखा रहा हूं यहां पर क्या क्या चीज के अंदर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, ऑप्टिमाइज यहां पर आपको मिल जाते हैं सिक्योरिटीज के, यहां पर आपको फिक्स इशू जो होगा आपके फोन में नेविगेशन के बारे में, और यहां पर आपको बताया गया है आफ्टर स्विच सिस्टम नेविगेशन 3 finger एंड स्विच सिस्टम नेविगेशन, जो कि नेविगेशन के में कुछ प्रॉब्लम थे तो यहां पर आपका फिक्स कर दिया गया, जो 3 finger से आप लोग यूज करते थे वो यहां पर फिक्स कर दिया गया, पहले से बेटर कर दिया गया। और यहां पर बेटर नेविगेशन बटन जो होता है आपका, नेविगेशन बटन जो होता है उसको यहां पर फिक्स किया गया है, पहले से बेटर यहां पर वर्क कर रहा है। अब यहां पर जो कि दूसरा अपडेट जो आया हमारा यहां पर नेटवर्क, एंड नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइज नेटवर्क एक्टिविटी एंड सिक्योरिटी यहां पर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क को पहले से बेटर यहां पर कर दिया गया है इस अपडेट के बाद। और उसके बाद दोस्तों, नीचे मिल जाता है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के अंदर आपको ऑप्टिमाइज ऑडियो यहां पर आपको मिल जाता है परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव द ऑडियो प्लेबैक इफेक्ट, जो कि प्लेबैक इफेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, एक नया कुछ ऑडियो प्ले में प्लेबैक इफेक्ट देखने को ऐड किया गया है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहां पर। उसके बाद दोस्तों, यहां पर फैक्स द यहां पर आपको बताया गया, जो कि इसके अंदर नेटवर्क मल्टीमीडिया के अंदर कुछ भी ऑडियो अगर आप चेंज कर सकते हो या चैनल अगर आपका है तो बेटर यहां पर आपको ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों, नीचे आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक एंड पासवर्ड, यहां पर फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक पासवर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम थी अनलॉक करने में या फिंगर लगाने में दिक्कत हो रही थी, तो यहां पर पहले से बेटर यहां पर वर्क करेगा, अब यहां पर पहले आपके मुकाबले, जो कि यहां पहले के मुकाबले यहां पर अब यहां पर बेटर वर्क करने वाला है इस अपडेट को करने के बाद। अब दोस्तों, यहां पर मिल जाते हैं सब कुछ इसके अंदर अननोन, यहां पर टैपिंग एप्स का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे आपको मिल जाते हैं और भी एक ऑप्शन दिया गया इसके अंदर आई मैनेजर के अंदर फिक्स किया गया, जो कि पहले से मक्खन की तरह आपका फोन वर्क करने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर मैंने अपने फोन को अपडेट कर लिया है, फाइनली अपडेट करने के बाद यहां पर चल के दिखाता हूं सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर आने के बाद दोस्तों, अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला है तो फाइनली आपको कैसे लेना अपडेट मैं आपको बताता हूं। नीचे आना आपको सिस्टम अपडेट पे आना है, और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपडेट देख सकते हो, मेरे में शो नहीं कर रहा है, आपको भी शो नहीं करेगा, तो फाइनली आपको आना है सेटिंग पे। उसके बाद आपको मिल जाता है ट्रायल वर्जन पे आपको शो कर रहेगा यहां पर अपडेट, तो ट्रायल वर्जन से आप लोग अपडेट कर सकते हो बेटर तरीके से अपने वीवो के B23 5G फोन को। और जो मैंने अपडेट किया अपने फोन को यहां पर दिखाता हूं आप लोगों को, अपडेट करने के बाद यहां पर हमारा फोन इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जो अपडेट आया था हमारा लगभग 400 MB का है, जो कि 386 MB का अपडेट था। अभी हम देख सकते हो मैंने इस वाले अपडेट को किया था, जो कि जून का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है 2024 का, और इसके अंदर UI वगैरह को पहले से बेटर यहां पर फिक्स किया गया, तो इस तरीके से मैंने अपडेट किया था, आप लोग को दिख रहा होगा यहां पर मल्टीमीडिया वगैरह नेटवर्क वगैरह सब कुछ दिया गया।
अब दोस्तों जो मैंने अपडेट किया इस फोन को, तो उसके बाद मेरा फोन पहले से मक्खन की तरह वर्क कर रहा, कोई प्रॉब्लम एंड कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फोन यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड किया गया है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ऑडियो प्ले में यहाँ पर आपको कुछ नए फिक्स किया गया है, ऐड किया गया है, इसके अंदर आप लोग को देखने में मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मिल जाता है। पहले से बेटर यहाँ पर वर्क करेगा जब अगर आप लोग ऑडियो वगैरह प्ले करोगे, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो भी चीज़ फिक्स किया गया है, जो मैंने आप लोग को बताया फिंगरप्रिंट के बारे में, तो फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर आपका पहले से फास्ट काम करेगा लॉक करने के बाद। जैसे मैं दिखाता हूँ, अब देख सकते हो बेटर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से बेटर काम कर रहा। अब यहाँ पर हमारा फेस लॉक यहाँ पर देख सकते हो, बेटर पहले से काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो अपडेट किया गया था, यहाँ पर आपको सिस्टम नेविगेशन के अंदर आते हो और सिस्टम नेविगेशन को पहले से बेटर यहाँ पर स्मूथली वर्क कर किया गया है, जो कि ये जो ट्रिम फिंगर वाला बटन था, होम बटन था, यहाँ पर आपका फिक्स किया गया है। इसके अंदर यही चीज़ आपको यहाँ पर स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपका जो नेविगेशन बटन था यहाँ पर चेंज किया गया है, यहाँ पर पहले से थोड़ा बहुत फिक्स किया गया है इसके अंदर, तो यही आप लोग को देखने को मिल जाता है, कम्प्लीटली इसके अंदर फिक्स किया गया है। तो आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ कम्प्लीटली यहाँ पर फिक्स किया गया। तो अगर आप लोग के पास वीवो का V23 5G 4 है, फाइनली आपको भी अपडेट देखने को मिल चुका होगा। आई होप अगर आप लोग को नहीं मिला तो फाइनली आप लोग को वेट कर लेना है, 2 से 4 दिन में या 10 दिन के अंदर में आपके फोन में ट्रायल वर्जन के अंदर अपडेट मिल जाएगा, या तो आपके फोन में डायरेक्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा, फाइनली वहां से आप जाकर अपडेट कर सकते हो। और अपडेट मैंने जो आप लोग बता दिया, सिक्योरिटी पैच तो था हमारा जून का था, फाइनली आप लोग को समझ में आएगा। तो फाइनली अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के इंप्रेस करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।